सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हाल चाल भाई लोग। भाई सुबह सुबह के 5:58 यानी 6 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैं और निशांत अभी निकल गए हैं मॉर्निंग राइड के लिए, तो अभी थोड़ा सब्र करो। अभी हम लोग अकेले नहीं हैं, अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन करने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पर और जहाँ हमारा मीटिंग पॉइंट था, बेसिकली मीटिंग पॉइंट था 1090, बट 1090 ना जाकर बिकॉज की राइड इधर ही को आ रही थी, तो अपन लोग इधर ही ज्वाइन करेंगे। और चलो बाद में ब्रीफ आगे करते हैं। सो लेट्स गो। तो भाई अपने ग्रुप आ गई है भाई और सब लोग अलाइन हो रहे हैं वापस से। चल मोहित। गुड मॉर्निंग। बढ़िया भाई, कहाँ पर है? सो ये है भाई अपनी बाइकर ग्रुप। एंड इसमें भाई देखो, इसमें सारे बाइक्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, मतलब 150 सीसी से लेकर कोई भी। तो R15 है अपनी, 310 सबसे ज़्यादा 310 है। एंड वंस अगेन KTM RC 390 एंड अपनी 310 RTR 310 RR 310 Dominar एक और R310। तो ये सारा ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप है। एंड अभी और भी बाइकर्स आने वाले हैं। ये देखो भाई, सबसे सीनियर अपने ग्रुप के, सबसे सीनियर मेंबर में से एक है ये। तो भाई रिस्पेक्ट है भाई, देख रहे हो इस एज में भी भाई हम लॉन्डो के साथ में भाई राइड कर रहे हैं। इनकी बाइक है RTR 310 जो पीछे खड़ी है ना। चलो मैं इनकी बाइक भी दिखाता हूँ एक बार। सो हियर इज़ Dominar 400। यीशु भाई की याद आ गई। एंड ये रहा भाई RTR 310। तो ये बाइक है और भाई मतलब अच्छी है, येलो कलर में ज़्यादा बेटर लगता है, बट भाई जिनकी बाइक है उनके अकॉर्डिंग से ये एक नंबर बाइक है भाई। वापिस से ग्रुप एक बार अलाइन हो गया है। और भाई यहाँ पे सब लोग भगाना शुरू कर दिए, तो मैं कैसे पीछे रहूँ? थोड़ा तो भगाना है भाई, भगाना इन द सेंस कि ओवर स्पीडिंग नहीं, एक कंट्रोल स्पीड में ही सब चल रहे हैं।
जगह चल रहा है और अभी सही लग रहा है बिकॉज ऑफ कि देखो यार ग्रुप का मीनिंग यही है कि जब एक साथ राइड कर रहे हो ना तो एक साथ चलो, मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज कोई 2 किलोमीटर आगे है, कोई 3 किलोमीटर पीछे है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ये है भाई ग्रुप का एक गोल मीनिंग, सारे ग्रुप में एक साथ चलो, एक स्पीड पे चलो। देखो सबकी स्पीड ऑलमोस्ट इसी के आसपास है, 80-80 के आसपास, तो कोई लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि जो भगाना था हो गया भाई। फाइनल मीटअप के बाद सब लोग एक डिसेंट स्पीड पे ही चलते हैं। नेक्स्ट संडे से हाँ उधर से मीटअप करते हैं फिर। थैंक यू भाई, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, जाओ। हल्का सा एक रेप देना, हल्का सा, ठीक है, डिसेंट। सो भाई अब यहाँ से मैं चला वापस एंड बाद बाकी सारे लोग जाएंगे अभी डलमऊ। हालांकि डलमऊ मैं नहीं जा रहा हूँ सम रीज़न, बिकॉज कि मेरे पास उतना एक्स्ट्रा भी टाइम नहीं है, क्योंकि राइड ख़त्म होगी आज 1 से 2 बजे के आसपास तक, तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा लोगों को और मेरे लिए ये थोड़ा दिक्कत का बात था भाई। आज का जो राइड था एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, आज का राइड था ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का नियर बाई में पड़ेगा ऐसा कुछ। तो और आते आते भाई वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि नदी है गंगा नदी, वहाँ पे लोग नहाने जा रहे, बहुत सारे ग्रुप मेम्बर्स का था कि मैं भाई वहाँ पर चल के नहाएंगे, नहाने के बाद वापस आएंगे, तो उससे क्या होता है ना कि भाई टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मेरे को वापस जाना पड़े, क्योंकि अपने पास थोड़े से और भी शेड्यूल्स रेडी है, तो अपना और भी काम देखना है, ठीक है। संडे का मतलब पूरा फ्री सम टाइम नहीं हो पाते यार, तो बस इस रीजन से हम लोग वापस आ रहे हैं। एंड वहाँ राइड ख़त्म करते करते भाई डेढ़, मतलब आप मान लो ना कि 1.5-2 घंटे, सॉरी 1.5 से 2 बज जाते, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता भाई। बट कोई बात नहीं भाई, सुबह सुबह भी उठ करके हम लोग इतना राइड कर लिए काफ़ी है यार। अभी गाड़ी 47 किलोमीटर चल चुका है और अभी समझ लो 47 किलोमीटर और चलना ही चलना है, तो ये हमारा अच्छा खासा राइड हो गया ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का। अभी देखो अभी जब हम राइड करने जा रहे हैं तो लोगों को देखो भाई काम करने जा रहे हैं, सोच के देखो क्या हार्ड वर्क है लाइफ में, मतलब इनके लिए कोई संडे और कोई मंडे नहीं है। तो भाई ये भी लाइफ का एक पार्ट है भाई, और आई थिंक जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे मतलब इस राइडिंग कम्युनिटी से बाहर की चीज़ों को जानते हैं, उनको पता होगा कि मैं थोड़ा सा इन सब लाइफ से गुजर चुका हूँ। तो भाई अपने पास ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, चलो हार्डवर्क करना ज़रूरी है भाई, बिकॉज अब क्या हार्डवर्क नहीं करोगे ना तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। तो भाई साहब सुबह सुबह एक अच्छी थॉट आ रही थी, सीरियस थॉट आ रही थी माइंड में, देखा भाइयों को तो अचानक से मैंने कैमरा ऑन किया, ये बोला लाइफ में थोड़ा सीरियस रहना भी ज़रूरी है भाई, बिकॉज कि ज़्यादा मजाक में रहोगे ना तो ज़िंदगी मजाक बन जाएगी यार, तो लिटिल भी सीरियसनेस ज़रूरी है ना भाई। सुबह सुबह ना ये खाली रोड देख करके सही बताऊँ तो भगाने का मन तो बहुत करता है कि बाइक भगाएं, थोड़ा सा वाइजर खोल लेते हैं यार, वाह फ्रेश हवा,
हाँ मज़ा आ गया। चलो वाइजर बंद कर लेते हैं बिकॉज अब के वाइजर खोलने के बाद भाई सामने से डस्ट भी तो उतना तेज़ी से आता है, अभी गाड़ी के पीछे चलोगे डस्ट आने लगेगा। मैं ये बोल रहा था भाई सुबह सुबह ना रोड खाली देख करके भगाने का मन करता है, बट क्या है भाई कि राइड राइड होता है ना, हमेशा बाइक को टॉप एंड करना राइड नहीं होता है, ये चीज़ का ध्यान रखा करो भाई। बहुत सारे ऐसे मेंबर है कि भाई बस टॉप एंड को राइड बोलते हैं, राइड पर निकला इन द सेंस कि उन्हें बाइक भगाना है। सो भाई हाँ अभी अपन लोग राइड ख़त्म करके वापस आ चुके हैं, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 8 बज गया भाई। धूप देख करके आपको लग रहा होगा भाई गर्मी धीरे धीरे ना बढ़ जाती है, मतलब जैकेट्स के अंदर मतलब फीलिंग आ जाता है कि गर्मी है भाई है तो बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है पीछे से बिकॉज क्योंकि बारिश हो जाने के बाद ना बाइक चल जाता है, चलने के बाद थोड़ा गंदा हो ही जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगता है भाई, अच्छा लगता है बुरा लगता है कुछ भी बता सकते हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये देख लो अपनी चैनल आ रही है 22 राइडर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्प्ले पर आ रहा होगा, आप जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हो। एंड अभी और भी अच्छे अच्छे स्टेप्स आने वाले हैं बिकॉज ऑफ कि लखनऊ में आने से, अभी हमने तो शुरू किया है भाई लखनऊ में आने के बाद से कंटिन्यूटी, जब से मैं रह रहा हूँ तब से समझ लो कि ये एक शुरू ही है ब्लॉग वगैरह, तो अभी कंटिन्यू बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, सो बैक टू बैक, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल बिकॉज ऑफ कि भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ।